हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सोमानी। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आए थे इंड एस कार्व आउट्स के वीडियो बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इंड एस कार्व आउट्स ही डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली इसके दो तीन वीडियो बनेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम रिमेनिंग कार्व आउट्स डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई कार्व आउट्स का मतलब क्या है। तो वो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे आपको पता है IFRS जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, उनको बनाने के पीछे मेन कारण यही था क्योंकि अब जो कंपनीज हैं जो अलग अलग कंट्रीज में काम करती है और उन कंट्रीज के अलग अलग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, तो एक इंटरनेशनली सेम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रहे ताकि उन कंपनीज के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो वो कंपेरेबल रहे, ठीक है ना। तो देट वॉज द मेन मोटो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब हर कंट्री को IFRS को धीरे धीरे अडॉप्ट करना था, ठीक है, और सेम वॉज द केस विद इंडिया कि हमें भी वो IFRS को अडॉप्ट करना था। अब हमने क्या किया, हमने IFRS को एज इज अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग सिचुएशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अकाउंटिंग में भी चेंज होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने एज इज उन IFRS को अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि कुछ फीचर्स या कुछ उनके प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट किए और कुछ हमारे प्रिंसिपल हमने रखे हैं, ठीक है। तो वो एज इज अडॉप्शन नहीं है, उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं कि हमने वो ट्राई टू मीट, वी आर ट्राइंग टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट विद IFRS, बट वो एज इज अडॉप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो डिफरेंट रहेगी जो इंड एस में है और IFRS में कुछ डिफरेंस रहेगा। वो जो डिफरेंस होता है वही कार्व आउट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो कार्व आउट्स इज नथिंग बट अ डिफरेंस, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस में डिफरेंस है हमारे इंड एस और IFRS में या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो जो डिफरेंस है दैट आर कॉल्ड एज कार्व आउट्स, ओके। तो अब हम देखते हैं कि वो कार्व आउट्स क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है ब्रीच ऑफ नॉन करंट लोन एग्रीमेंट। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये है क्या। सपोज कि एक एंटिटी है, जैसे हम एक एंटिटी है, हमने एक लोन ले रखा है बैंक से, लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करंट है मतलब लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, ठीक है। अब उस लॉन्ग टर्म लोन का रिपोर्टिंग डेट पे कोई ब्रीच हो जाता है कंडीशन। अब लोन लेते हैं उसमें बहुत सारे कंडीशंस होती है, अगर उनमें से किसी एक कंडीशन को ब्रीच हो जाता है या फुलफिल नहीं होती है रिपोर्टिंग डेट को, ठीक है, तो अब क्या होता है वो लोन रीपेबल हो जाता है ऑन डिमांड, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, हमने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है और रिपोर्टिंग डेट पे हम कोई कंडीशन पूरी नहीं कर पाते, कुछ ब्रीच हो जाता है कंडीशन का और वो लोन रीपेबल ऑन डिमांड हो जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में IFRS जो होता है, IFRS कहता है कि वो लोन शुड बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी। IAS 1 तो IAS 1 कहता है कि दैट शुड बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब इंड एस जो बोलता है वो कहता है कि ठीक है, उस लोन का आपका कोई ब्रीच हो गया कंडीशन का ऑन या बिफोर रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, बट अगर बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रीच हो गया रिपोर्टिंग डेट को या उससे पहले, बट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल तक अगर जिसने भी आपको लोन दिया, जैसे बैंक ने दिया लेंडर, वो बोलता है कि ठीक है विल नॉट रिकॉल इट, हम लोन को रीपेबल ऑन डिमांड नहीं करेंगे, वो ऐसा क्यों हो सकता है, या तो उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया हो या जो ब्रीच हुआ हो वो हमने रेक्टिफाई कर दिया हो, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है ब्रीच रेक्टिफाई कर दिया, उसके बाद लेंडर बोलता है कि ठीक है अब वो रीपेबल ऑन डिमांड नहीं करते हम, ठीक है, और ऐसा लेंडर कब तक बोलता है, बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ऐसा होता है तो उस केस में उसे नॉट बी क्लासिफाइड एज करंट, तो उसे हम नॉन करंट ही मानेंगे, ठीक है। तो यहां तो हम देखते हैं ऑन द डेट ऑफ ऑन रिपोर्टिंग डेट अगर ब्रीच है तो ऑटोमेटिकली वो करंट लायबिलिटी हो गई, बट ये कहता है कि ठीक है कोई ब्रीच हो गया ऑन या बिफोर रिपोर्टिंग डेट, बट अप्रूवल के पहले हमने उस ब्रीच को रेक्टिफाई कर दिया है और लेंडर मान जाता है कि ठीक है उसको हम रीपेबल ऑन डिमांड नहीं मान रहे, तो ऐसे में उसको आप करंट क्लासिफाइड मत करो, उसको आप नॉन करंट ही मानो। ये है इंड एस 1 वर्सेस IAS 1।
ठीक है। सेकंड है ऑपरेटिंग लीज रेंटल। अब ऑपरेटिंग लीज रेंटल मतलब क्या हुआ, अब इसमें हमने एक ऑपरेटिंग लीज ले रखी है, कोई असेट लीज पे ले रखी है और वो ऑपरेटिंग लीज है और हम कुछ रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो IFRS क्या बोलता है, इंड एस 17 वर्सेस IAS 17। IAS 17 क्या बोलता है कि जो लीज रेंटल है, ऑपरेटिंग लीज रेंटल, उसको आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज करना है, बेसिस में आपको पीएनएल में चार्ज करना है, ठीक है। आप ऑपरेटिंग लीज ले रखी है कोई असेट लीज पे और आप उसका रेंटल पे कर रहे हो, ठीक है। रेंटल कैसे भी हो सकता है, सपोज फर्स्ट ईयर आप 10,000 पे कर रहे हो, सेकंड ईयर आप 20,000 पे कर रहे हो, थर्ड ईयर आप 30,000 पे कर रहे हो, टोटल आप 60,000 पे कर रहे हो, सपोज 3 साल का है, ठीक है। बट पीएनएल में आपको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, डिवाइड बाय 3, 20,000 ईच ईयर ईयरली, ये जो बोलता है IAS IFRS, ओके। बट वो एक और चीज बोलता है कि अगर ऐसा कोई डिफरेंट मेथड है जो कि बेटर प्रेजेंटेशन देता है, कि जिस तरह से आपको लीज के बेनिफिट मिल रहे हैं, अगर उसी जिस तरह से आपको लीज के बेनिफिट मिल रहे हैं, अगर उसी तरह से आप उसको उसमें पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पीएनएल में चार्ज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर लीज बेनिफिट, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस तो कर ही सकते हो, बट अगर और कोई मेथड है जो कि आपको बेटर प्रेजेंटेशन देता है, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेम चीज वो ये भी प्रोवाइड कराता है कि लीज रेंटल आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज करो, या अगर और कोई मेथड है जो कि आपको बेटर रिप्रेजेंट बेटर प्रेजेंटेशन देता है, कि जिस अकॉर्डिंग आपको लीज के बेनिफिट मिल रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आप लीज की जो भी रेंटल है उसको चार्ज कर लो पीएनएल में, सेम ऑप्शन ये भी देता है। बट ये एक एक्सेप्शन देता है या एक एडिशनल चीज प्रोवाइड कराता है कि अगर आपके लीज रेंटल बढ़ रहे हैं, लीज रेंटल एस्केलेशन, एस्केलेशन बोल रहे हो या उसको इंक्रीज बोल रहे हो, वो किसके कारण बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन के कारण। जैसे एग्जांपल, पहले साल आपका लीज रेंटल 10,000 है, सेकंड ईयर सपोज 10% बढ़ जाता है, ठीक है, वो हो जाता है 11,000, और थर्ड ईयर फिर 10% बढ़ जाता है, वो हो जाता है 12,100। और अगर ये 10% इंक्रीज है, ठीक है, और वो क्यों हो रहा है, वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए हम इंक्रीज कर रहे हैं इन्फ्लेशन के कारण, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर लीज रेंटल बढ़ रहा है और वो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ रहा है, तो ऐसे में इसको स्ट्रेट लाइन नहीं करेंगे, ऐसे केस में हमें स्ट्रेट लाइन अडॉप्ट नहीं करना है। तो जैसा है वैसा का वैसा आपको पीएनएल में चार्ज करना है, इसमें भी बढ़ रहा है चाहे वो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ रहा है चाहे नहीं बढ़ रहा है, इसमें तो आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ही करोगे या कोई अदर मेथड जो कि मोर अच्छा रिप्रेजेंटेशन देता है बेस्ड ऑन द लीज बेनिफिट जो हमें मिल रहे हैं। यहाँ सेम चीज वो बताता है, बट वो कहता है कि अगर जो लीज रेंट इंक्रीज हो रहा है, अगर वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए इंक्रीज हो रहा है, जैसे केस में आप स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं यूज करो, ठीक है। तो उसमें तो फिर जैसा है वैसा के वैसा चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। तीसरा यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, वो है इंड एस 28 वर्सेस IAS 28, जो कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स रिलेटेड है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, IFRS या इंडिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बोलता है कि जो भी एसोसिएट है और जो इन्वेस्टर है, जिसने इन्वेस्ट कर रखा है एसोसिएट में या जिसकी वो एसोसिएट है, दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर नहीं है एसोसिएट की यूनिफॉर्म इज सेम एज इन्वेस्टर्स, अगर एसोसिएट की सेम नहीं है तो उसको सेम करनी पड़ेगी, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूनिफॉर्म बेसिस पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये भी ये कहता है कि करना है, बट अगर वो कहता है कि अगर ऐसा करना इम्प्रैक्टिकेबल है, अगर उसकी एसोसिएट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम इन्वेस्टर्स के अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते, ऐसा करना इम्प्रैक्टिकेबल है, तो फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होना जरूरी नहीं है, जबकि बोलता है कि वो
ये बोलता है कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये कहता है कि अगर ऐसा करना इम्प्रैक्टिकेबल है तो छोड़ दो। ओके फिर बार्गेन परचेज गेन, इंड एएस 103 जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है और आईएफआरएस 3। ओके बार्गेन परचेज गेन क्या हुआ, बार्गेन परचेज गेन सेम है, मतलब जैसा हमने पढ़ा है कि अगर हमने किसी एंटिटी में किसी एंटिटी को एक्वायर करना है, ठीक है ना, सपोज हमने एक्वायर किया है और उसमें इन्वेस्टमेंट किया है मतलब 100 रुपीज का एग्जाम्पल, ठीक है, और उसकी जो नेट एसेट है हमने उसको एक्वायर किया 100 रुपीज में और उसकी नेट एसेट है 120, ठीक है, तो 120 उसकी नेट एसेट है, हम उसको एक्वायर कर रहे हैं 100 में, ठीक है, तो ऐसे हमें 20 रुपीज का गेन होता है, गेन ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन जो हम कहते हैं, जिसको बार्गेन परचेज गेन बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो जो गेन है IFRS बोलता है कि that will be transferred to P&L account, उसको P&L में रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, जो बार्गेन परचेज गेन है, जबकि ये बोलता है कि उसको OCI में दिखाना है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसको हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव में दिखाएंगे और that will be part of equity, और उसको एज ए कैपिटल रिजर्व इट विल पार्ट ऑफ इक्विटी, ठीक ना, तो एज ए कैपिटल प्रॉफिट हम ट्रीट करेंगे, तो OCI में डाल के इट विल बी लाइक पार्ट ऑफ एन इक्विटी, मतलब एज ए कैपिटल रिजर्व इक्विटी का पार्ट बनेगा वो, जबकि वो बोलता है कि IFRS बोलता है इंडियन सॉरी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या IFRS बोलता है कि उसको P&L में डालेंगे। फिर नेक्स्ट है FCCB जो इंड एएस 32 वर्सेस IAS 32। ओके FCCB क्या हुआ, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो जैसे नाम से ही लग रहा है वो बॉन्ड जो कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, और क्योंकि वो कन्वर्जन बॉन्ड है मतलब उस पर कन्वर्जन का ऑप्शन रहता है, कन्वर्जन किस में, इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड जो कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है और उसमें कन्वर्जन का ऑप्शन है इक्विटी शेयर में, ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड के लिए IFRS या IAS वो क्या बोलता है कि जो मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उन बॉन्ड में हमारे पास जो इक्विटी कन्वर्जन का ऑप्शन है वो एम्बेडेड है, बॉन्ड तो है उसमें पास कन्वर्जन का ऑप्शन है, तो दैट ऑप्शन इज एम्बेडेड इन दैट बॉन्ड, ठीक है, तो IFRS बोलता है या IAS बोलता है कि वो जो कन्वर्जन का ऑप्शन है इक्विटी में दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी। जो कन्वर्जन ऑप्शन है वो भी एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी ही ट्रीट होगा, ठीक है, जबकि इंड एएस 32 जो है वो एक एक्सेप्शन वर्ड रहता है, जब फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन है उसमें एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन इसी से रिलेटेड है FCCB से, कि अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है, ठीक है ना, जिसमें एक ऑप्शन दे रखा है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कराने का, ठीक है, और फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन है, फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, और उसका एक्सरसाइज प्राइस भी फिक्स्ड है, ठीक है ना, तो फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स है और एक्सरसाइज प्राइस भी फिक्स्ड है किसी भी करेंसी में, तो ऐसे केस में वो जो पोर्शन है दैट विल बी ट्रीटेड एज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रीट होगा, ये बोलता है कि वो फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट होगा और हमारा इंग्लिश बोलता है कि वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रीट होगा। ओके तो ये कुछ कार्वर्ड्स है या डिफरेंसेस थे हमारा इंड एएस है वर्सेस जो IFRS या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनमें, तो मैं इसके और भी वीडियोज अपलोड करूंगा जिसमें बाकी कार्वर्ड्स कवर करेंगे। आई होप कि ये जो वीडियोस हैं वो आपके लिए यूजफुल होंगे, अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में से पूछें, कभी कभी मुझसे देर हो जाती है रिप्लाई करने में, बट आई ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।